देखिए, आज हमारा यहाँ पे मेंबर्स जनरल मीटिंग थी और हमारा जो अभी चेयरमैनशिप डिक्लेयर हुई है फॉर द ईयर 2024 एंड 26, तो दो साल के लिए हमारी चेयरमैनशिप रहती है। हमारे मुतालबे बहुत ज़्यादा हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो कश्मीर में है, दे आर अंडर थ्रेट। वन यू से थ्रेट, हमारे जो इंटरेस्ट्स है वो सेफगार्ड नहीं हो रहे हैं। हमें होटल से इश्यूज़ है, हमें गवर्नमेंट से इश्यूज़ है। तो बस यही हमारी मौक़िफ हमारा यही रहेगा कि हम ये जो आला हुकाम है वहाँ तक हम ये पहुँचाए अपनी आवाज़ कि जो हमारे मेंबर्स के इश्यूज़ है। वी आर मोर देन 7,000 ट्रैवल एजेंट्स इन कश्मीर एंड इन केस हमारे राइट्स को सेफगार्ड नहीं किया जाएगा, विल बी लेफ्ट जॉबलेस, विल नॉट हैव एनी जॉब्स टू डू। बिकॉज एक ट्रैवल एजेंसी खोलना बहुत ईजी है बट उसको सस्टेन करना मार्केट में इट्स अ बिग टास्क। सी, जो इलेक्शन है इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वन हैज़ टू कम फॉरवर्ड, अनदर वन हैज़ टू स्टेप बैक, इट इज़ नॉट समथिंग बिग। लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आयद होती है। जो आउटगोइंग चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई है, जो इनकमिंग चेयरमैन है आई वुड से कि ये खुशी का माहौल तो है बट इट इज़ नॉट दैट खुशी कि भाई अब हमें काम करना है। ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती है अब और हुकाम से अपने मेम्बर्स के मुतालबे हम डेफिनेटली करेंगे, रेज अप करेंगे। सर, अपनी एसोसिएशन के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? जी, एसोसिएशन मैंने आपको पहले नहीं बोला, जो टाई है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द एपेक्स एसोसिएशन इन इंडिया विच हैज़ कम 2 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये जो टाई है, टाई ऑल ओवर इंडिया है, इसके चैप्टर्स बहुत से रीजनल चैप्टर्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नोलॉजिज टाई एज वन ऑफ द एपेक्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इन इंडिया। और फॉर माई मेम्बर्स, थैंक यू सो मच फॉर मेम्बर्स हु हैव वोटेड मी, हु हैव चोजन मी टुडे, एंड फॉर द मेम्बर्स हु माइट नॉट हैव वोटेड फॉर मी, तो उनके लिए काम करना पड़ेगा ताकि उनके जो एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं खरा उतरूँ। टेल यू वन थिंग, वी ऑलवेज, हम हमेशा जो टूरिस्ट आते हैं उनको बताते हैं, आप जब भी किसी भी ट्रैवल एजेंट से पैकेज बुक करेंगे, जस्ट सी वेदर इज रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और नॉट। एक ट्रैवल एजेंट मैं हूँ, मैं डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हूँ, बट अगर मेरे पास टाई का लोगो है या मैं किसी भी प्रेस्टीजियस एसोसिएशन का मेंबर हूँ तो वो क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ाता है। तो पहले जो लेग है, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एसोसिएशंस, दैट मेक्स यू अ बेटर एंड लेजिटिमेट ट्रैवल एजेंट रादर देन वन हु इज जस्ट सिंपली रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट टूरिज्म। कम से कम हर एक एजेंट जो है रजिस्टर्ड हो डिपार्टमेंट टूरिज्म से, उसके साथ आप काम करें। अगर ट्रैवल एजेंट एक एसोसिएशन के साथ भी लिंक्ड है तो उसको ज़्यादा तरजीह दें। ये सर, जो हमारी एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली चैप्टर जो है इंडियन चैप्टर है हमारा, यहाँ पे जेके चैप्टर है हमारा, इसमें ये सबसे पुरानी और एपेक्स बॉडी है टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स की। इसमें हमारे कुछ होटलियर्स भी है मेंबर हमारे। ये सबसे पहली और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान की। तो इसका जेके चैप्टर का आज यहाँ पे होटल रेडिसन कलेक्शन में हमारा AGM था, एनुअल जनरल मीटिंग थी और हमारे इलेक्शन भी थे। मैं इसका 5 चेयरमैन रह चुका हूँ, अभी इंटरिम चेयरमैन रह चुका हूँ इसका एसोसिएशन का, और मेरे छोटे भाई समीर ने अब इलेक्शन जीत के आज वो इस ओहदे पे आए हैं। ही समीर वाज ऑलरेडी इन दिस दैट एसोसिएशन फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स, आज ये चेयरमैन बन गए और हमें उम्मीद है कि समीर इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में कश्मीर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हम टोटल इसमें 116 मेम्बर्स हैं, उसमें से जम्मू के भी हैं, लद्दाख के भी हैं और हमारे श्रीनगर चैप्टर के भी हैं। अल्लाह फरमा सर, हमारी प्रायोरिटी जो आने वाले फ्यूचर में जो हमारा कंसर्न रहेगा वो सबसे पहले हमारा जो है इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म, जो कि आप देख रहे हैं अपर वाले की दुआ से पिछले 2-3 साल से कश्मीर में काफ़ी अच्छा टूरिज्म चल रहा है। लेकिन साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ हमको ये भी देखना कि हमारी इकोलॉजी और मतलब उस पर कोई असर ना पड़े। जो ओवर टूरिज्म हो रहा है हर जगह, आप देखिए हमें पोल्यूशन पर कंट्रोल करना है, जो मतलब इको फ्रजाइल हमारे ग्रीन्स हैं या हमारे वुड्स हैं जो जंगल हैं उनकी हमें देखभाल करनी, क्योंकि हमारे पास और कुछ भेजने को नहीं है और कुछ दिखाने को नहीं है। अल्लाह ने हमें जो अपनी कुदरत से नवाजा है हम उसकी हमको खुद ही हिफाजत करनी पड़ेगी, ताकि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए वो खुश होकर चला जाए, यहाँ के सब्जार और ग्रीनरी को देख के अपनी उसकी आँखें तरोताज़ा हो जाए।